मॉडल अदाकारा नताशा हुसैन ने सीनियर अदाकार बहरोज सब्जवारी के बेटे शहरोज सब्जवारी को अदाकार मानने से इनकार कर दिया, ताहम बाद अजा उन्होंने अपने बयान पर मुआफी मांगी। नताशा हुसैन हाल ही में एक निजी टीवी की मेहमान बने, जिस दौरान मेजबान ने एक संग मिनट के दौरान उनसे सवाल किया कि आपकी नज़र में इंडस्ट्री में वो कौन सी अदाकारा अदकार है जिनके हवाले से आपको लगता हो उन्हें अकरबा परवरी की वजह से प्लेटफॉर्म मिला। मेजबान के सवाल पर नताशा ने बहरोज सब्जवारी के बेटे शहरोज सब्जवारी का नाम लिया और कहा कि क्योंकि मैं उन्हें अदाकार नहीं समझती, अगर शहरोज बहरोज सब्जवारी के बेटे ना होते तो शायद उनको इतने बड़े प्रोजेक्ट्स ना मिलते, लेकिन उनके वालिद एक बेहतरीन अदाकार है। मॉडल के बयान पर मेजबान ने वाजे किया कि इस सवाल से हमारा मकसद किसी की दिल आजारी नहीं है, ये सवाल महज एक तफरी के लिए है। प्रोग्राम में ऐसे सवालात पर शोबिज इंडस्ट्री समेत मद्दाहों की जानिब से गम और गुस्से का इजहार किया गया। अदाकारा शमगुल ने शो के वायरल क्लिप पर तबसरा करते हुए लिखा कि ऐसे सवाल क्यों पूछे जाते हैं और फिर ये कह देना कि मकसद किसी की दिल आजारी नहीं था, किसी का मजाक उड़ाने में कैसी तफरी, इससे कत नजर के हम किस बैकग्राउंड से हैं, हम दिन भर मेहनत करके अपने काम से इंसाफ करने की कोशिश करते हैं, इस तरह के सवालात को शो में शामिल नहीं करना चाहिए। बाद अजा नताशा हुसैन ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हुए मुआफी मांग ली और कहा कि मैं शहरोज सब्जवारी से मुतालिक अपने बयान पर मुआफी मांगती हूँ, मैंने कहा था लेकिन मेरा हरगिज ये मकसद नहीं था, मेरे बयान को गलत लिया गया, शहरोज अच्छे अदाकार हैं। नताशा हुसैन ने अपने बयान पर होने वाली ट्रेवलिंग पर लिखा कि भाई मुआफ कर दो और अपनी जिंदगी पर फोकस करो, कमाल है कि बात पकड़ने का आर्ट लोगों की तफरी का जरिया बन चुका। अदाकारा और मॉडल ने मजीद लिखा कि मुतालिका शख्स से माजरत और उन लोगों से भी जो इसके लिए फिक्रमंद है।